इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर, और यहां पर जो शुरुआती दो घंटे के रुझान आने के बाद की तस्वीर है, चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए यहां पर वैसे तो सुबह से ढोल नगाड़ा जो बुलाया गया था, जो सुबह से बज भी रहा था, लेकिन फिलहाल अभी यहां पर ये ढोल नगाड़े जो है बज नहीं रहे हैं। हालांकि इसके अलावा एक जगह पर ज़रूर ऐसा है जहाँ पर जो है कुछ हरियाणवी जो है जो लोक नृत्य और यहाँ पर जो नगाड़े बजते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कोई कांग्रेस कार्यकर्ता आसपास नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि अब तक कुछ उस तरीके के जो है रुझान नहीं आते दिख रहे हैं। भले ही ये जो कलाकार हैं ये यहाँ पर अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि एक माहौल बनाया जाए, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के कार्यकर्ता उससे दूर ही नजर आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर इस वक्त जो है तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जो मौजूद हैं। हालांकि सुबह से तैयारी तो ये की गई थी कि प्रभु श्री राम का जो है एक पोस्टर बनाया गया, होर्डिंग लगाया गया है, उसमें जो है हनुमान जी नजर आ रहे हैं और नीचे खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जो तमाम नेताओं की जो है बघेल की तस्वीर नजर आ रही है। लेकिन इस वक्त भी देखिए यहाँ पर भी जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में आपको शांति नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो एक जश्न का माहौल जो सुबह आपसे जो करीबन एक दो घंटे पहले दिख रहा था वो नहीं है। वहीं वैसे तो यहाँ खाने पीने का भी इंतजाम किया गया था, लेकिन यहाँ पर भी लोग इस वक्त जो है कम ही नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो अभी तक के रुझान है वो क्योंकि बहुत ज्यादा कांग्रेस के पक्ष में नहीं है, लिहाजा कांग्रेस मुख्यालय पर जिस तरीके का माहौल जो है सुबह से एक तरह से बनाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि उम्मीदें की जा रही थी कि मुमकिन है 2-2, 3-1 इस तरीके का जो है रिजल्ट आए, लेकिन वो फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा। और इसी वजह से तमाम जो है जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त शांत हैं और सिर्फ उनकी निगाह टिकी हुई है रुझानों पर, जो कि फिलहाल इस वक्त अभी तक कांग्रेस के पक्ष में जाते नहीं दिख रहे। सहयोगी कैमरा पर्सन सीके सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।